सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल शुभ लाभ आपके घर में के आने वाले ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि अब श्रेया जिसने मारा है ईशा को थप्पड़ और ये थप्पड़ खाने के बाद ईशा का होगा बुरा हाल। इतना ही नहीं, माया तो वैभव को भी खरी खोटी सुनाने वाली है। दरअसल दोस्तों, श्रेया ईशा को थप्पड़ मारती है। इस बात से गुस्सा होकर ईशा अपने कमरे में आती है और सारी ही पार्टी अब खराब हो चुकी है। जिस पार्टी के लिए ईशा थी इतना एक्साइटेड, उसी पार्टी में उसी को पड़ा थप्पड़। और अब इस बात का गुस्सा माया वैभव पर निकालते हुए नजर आएगी, क्योंकि माया चाहती है कि ईशा और वैभव की शादी हो जाए। करती है ईशा वैभव को काफी ज्यादा पसंद, तो यहाँ माया पूरी कोशिश करने वाली है वैभव को कन्विंस करने की। वो उससे श्रेया के खिलाफ भड़काते हुए भी नजर आने वाली है। माया वैभव के सामने श्रेया के बारे में काफी कुछ गलत कहते हुए नजर आएगी, ताकि वैभव श्रेया से नफरत करने लगे और ईशा से हो जाए वैभव की शादी। क्योंकि माया तो यही चाहती है कि उसकी बहन भी इसी घर में आ जाए और फिर दोनों ही बहन मिलकर इस घर पर राज करे। लेकिन क्या माया अपनी इस प्लानिंग में कामयाब हो पाएगी? वहीं वैभव क्या करेगा? क्या वो श्रेया पर इस बात का गुस्सा निकालेगा कि उसने ईशा को थप्पड़ मारा है? वही आने वाला ट्रैक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है इसी ट्विस्ट के साथ। तो देखते रहिए सब टीवी पर शुभ लाभ आपके घर में।